हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम आमला रीटा शिकाकाई शैम्पू बार बनाएंगे। ये सोप 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो वैसे तो हम नॉर्मली अपने बालों को मार्केट वाले शैम्पू से वॉश करते हैं, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट वाले शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें यूज़ करने से हमारे बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, और साथ ही कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा झड़ने भी लगते हैं। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं आपको घर पर ही 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव आमला रीटा शिकाकाई सोप बनाना बताऊंगी, जिसके यूज़ से आपकी हेयर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो आइए इस शैम्पू बार को बनाना शुरू करते हैं। शैम्पू बार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 चम्मच आमला पाउडर लेंगे, 1 चम्मच रीटा पाउडर लेंगे और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर ले लेंगे। ये सारे पाउडर्स आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, 1 चम्मच बादाम का तेल ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस साबुन को बनाने के लिए हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पानी को यूज़ करने से आपकी सोप खराब हो सकती है। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देखिए हमारा आमला रीटा शिकाकाई का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। नेक्स्ट मैंने ये 150 ग्राम ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है, ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट करेंगे ताकि हमारी सोप इजीली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी ये सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने सोप को सेट करने के लिए ये सिलिकॉन का सोप मोल्ड ले लिया है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में भी सोप को सेट कर सकते हैं। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो अब हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे, इसमें ये कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यहाँ मैं इसे डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मेल्ट कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रख कर भी मेल्ट कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपको इसे डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो क्योंकि ग्लिसरीन सोप है तो इसलिए बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब हम इसमें ये आमला रीटा शिकाकाई का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आमला रीटा शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ये हमारी स्कैल्प को डीप क्लीन कर हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, हमारे डैंड्रफ और खुजली की समस्या को दूर करते हैं, और साथ ही हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी भी बनाते हैं। तो यहाँ आप देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ हम इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो यह मैंने मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 1 घंटा हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इन्हें इस तरह डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप कितनी इजीली बाहर आ गई और कितनी स्मूथ बनी है। ये सोप आपको बिना कोई नुकसान पहुँचाए आपके बालों को और स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करती है, और साथ ही आपके बालों को बहुत ही काला, लंबा और मजबूत भी बना देती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।